सबसे पहले तो यहाँ जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई, मेरी बहनें और जो भी आवाज सुन रहा है, सभी के चरणों में हर अच्छी कराएगी आज जोड़कर राम राम। मेरा मानना ये है, ज्यादा पढ़े लिखे होगी और ज्यादा समझदार होगी, महफिल में बोलने से अच्छा चुप रहना अच्छा होता है। आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा समझदार हो, मैं तो एक आप लोगों के बीच मन पढ़ सा हूं। सबसे बड़ी बात तो ये, आप सभी को एक बात बता दूं, आप सब सोशल मीडिया के एक स्टार हो। उससे पहले यहां जितने जो भी इसके अंदर बैठे हैं, सर्कल के अंदर, आप सब एक परिवार हो। आप एक हरियाणा को प्रेजेंट कर रहे हो। जहां भी हम जाते हैं, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से आपके हरियाणा के अंदर, हरियाणा नहीं आपके उत्तर भारत के अंदर सबसे ज्यादा मैं घूमता हूं। मेरा डेली का जो घूमना होता है वो होता है कम से कम 600 किलोमीटर का और ज्यादा से ज्यादा 1200 किलोमीटर का। सबसे ज्यादा प्रोग्राम मैं करता हूं। पिछले 10 साल के अंदर लगभग 4400 प्लस प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूं। एक तो आप सबसे एक बात बताता हूं, जो भी मैं बोलूं, मैं किताब में लिखा पढ़ा वे चीजें नहीं बोलता, मैं वो बोलता हूं जो मेरी अंतरात्मा कहती है। कोई भी जब तक मैं बोलूं तालियां मत बजाना, मेरी बात को सिर्फ सुनना, हो सकता है कोई ना कोई बात आपके जीवन में काम आ जाए। अब यहां पे जितने आदमी मेरे को लगता है सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको अपना जो दुख होता है ना, दुख ज्यादा बड़ा लगता है। आज जैसे यहां पे आए हैं, छोटा दुख मैं अपना भी बता दूं, मेरी उम्र 33 साल हो चुकी है। जैसे अभी मेरे भाई ने चंद्रशेखर ने बताया था, चंद्रशेखर मेरे लिए, मेरा नाम जो वो भगवान के समान है, क्योंकि मैं शहीदों का बहुत बड़ा फैन हूं, जिसमें शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी थे, स्वयं भगत सिंह भी उनके फैन थे। उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है। आज आपके बीच में मैं, मेरा जो 33 साल का जीवन है, 3 साल का तो मुझे याद नहीं, 30 साल का मुझे याद है, 1993 से लेकर 2023 तक की हर मूमेंट हर मिनट मेरे को याद है। लगभग जिससे मैं एक बार मिल लेता हूं उसको याद रखता हूं। यहां पे जितनी लड़कियां बैठी भाई ने, हम तो सबको नहीं जानता, लेकिन इनके चेहरे देख रखे, कुछ साथी ऐसे जिनके चेहरे जिन पे नजर गई वो सोशल मीडिया पे मैंने देख रखे। वो जो 30 साल का जीवन है उसकी बात करेंगे, जैसे अभी मेरे भाई चंद्रशेखर ने बताया था, 9वें महीने की 4 तारीख 1989 सोमवार का दिन मेरी जो पैदा होने की कहानी थी वही जबरदस्ती थी। मैं जबरदस्ती से पैदा हुआ था, यानी कि मेरी माता जी उस वक्त गिर गई थी, पेट से ही पेट जमीन पे लग गया था, जिसके कारण मेरी जो डिलीवरी है, मेरी डिलीवरी हुई थी बवाना के अस्पताल में। मेरा गांव लडरावन, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, पिन कोड 12-45-07, गांव के बीच में रहा करा मोदी हमने गांव में कह आकर। मेरे दादा और 13 भाई बहन, उसके हम टोटल में लगे 120 होंगे। और उनके बीच से मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, बवाना के अंदर 3 से 4 दिन बाद मेरी डिलीवरी हुई थी। मेरी जिस वक्त डिलीवरी हुई, मेरा जो वजन था वो 750 ग्राम था। मेरे बचने की कोई आस उम्मीद नहीं थी। 16 दिन मेरे को शीशियों के अंदर रखा गया, जिसके बाद मेरे पैर जो थे वो मुड़े हुए थे। डॉक्टरों ने बोल दिया था हम गारंटी नहीं लेते बच्चा बच जाएगा। मेरे मामा राठियों का मैं भांजा हूं, श्यापला के पास खरर गांव है, वहां मैं रहा, वहां मैं 5 साल तक रहा। मेरे मामा ने खिला पिला के मेरे को तैयार किया। उसके बाद मैं वापिस, मेरी मां मेरे को अपने घर लेके गई। मैंने अपने जीवन में अपनी मां का कभी दूध नहीं पिया। 16 दिन में उस शिशु के अंदर रहा। उसके बाद से 5 साल मेरे मामा के घर रहा। उसके बाद से जिस वक्त वापिस आया वो मेरी दूध पीने की उम्र नहीं थी। मेरी मां के साथ जो मेरा पूरा जीवन बीता है वो कुल मिला के 2 साल का बीता। मैं जब 7 साल का था 1997, वो मेरे जीवन का एक ऐसा दिन था
मैं सामने लौट के, एतवार का दिन था, ऐसे देख रहा था, मेरी माँ चाय बना रही थी, सुबह 6 बजे का टाइम, मैं पीछे से जाके मेरी मम्मी को पकड़ता हूँ। मेरी माँ बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी, वो बच्चों की बहुत ज्यादा संभाल रखती थी, डरा के रखती थी। मेरी माँ बोली वहीं बैठ जाना, थप्पड़ मारूंगी। मैं वापिस जाके रजाई में घुस गया, सुबह सुबह का टाइम, 10वें महीने की 2 तारीख, एतवार का दिन। मेरे दादाजी मुझे बताते हुए किसी चीज को कोई दिक्कत नहीं होती, मेरा जीवन खुली किताब है, मैं ये चाहता हूं अपने जीवन में झूठ मत बोलो, कोई देखे ना देखे परमात्मा आपको देख रहा है। मेरे दादाजी इतनी ज्यादा दारू पीते थे, इतनी ज्यादा शराब पीते थे, भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई उसमें मेरे दादाजी फौज में थे, वहां से बचने के बाद पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे। 1966 में हरियाणा पंजाब एक हो गया तो उस वक्त हरियाणा पुलिस में थे। 1997 के टाइम में ही मेरे दादाजी रिटायर आए थे। मेरे दादाजी ने बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी और छत से पीछे की साइड हिट रहे, पीछे की साइड बैक हो रहे थे, छत की जो बाउंड्री वो बनी नहीं थी। 120 किलो मेरे दादा के अंदर लगभग वजन होगा और मेरी माँ नीचे चाय बना रही थी, मेरे दादा ऊपर से मेरी माँ के ऊपर गिर गए, ऑन द स्पॉट रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैं मेरी मम्मी के पास जाता हूं, मेरे को, मैं बच्चा था, मेरे को पता ही नहीं था, मैं मेरे दादा को पकड़ के खींचता हूं, मेरे से कहां हिलता है। मैं वो मंजर, वो चीजें 20 मिनट अपनी आंखों के सामने देख रहा, मेरे को इतनी समझ नहीं थी मेरे को करना क्या है। और मेरी मां जो थी वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई थी। वो सीन देखने के बाद मैं मेरी काकी को, मेरी बुआ को बुला के लाया पड़ोस से, उन्होंने आके मेरे दादा को खींचा, मेरी मां को लेटाया। मेरी मां को जिस वक्त होश आया, मेरी मां सिर्फ एक बात कह रही थी, मेरा बेटा कहां है। मेरी मां को यह था कि मैं मेरी मां के पीछे ही था, साथ में मैं भी उसी वक्त मौके में नीचे आ गया, लेकिन मेरी मां ने चंद मिनट पहले ही मेरे को वहां से भगा दिया था। वो करड़ाई जो थी वो मेरी मां की थी। ये हादसा होने के बाद, 3-3 नौकरियां करने के बाद, मेरे दादाजी की हालत ये थी, रिटायर आने के बाद एक किला गहने टेक किया था 1,00,000 रुपए में, बहादुरगढ़ नफे सिंह राठी के ऑफिस में, जो विधायक होया करता हमारे वहां का, 1,00,000 रुपए में किला गहने टेक किया था, 4 किले मारे उस वक्त। मारी हालत उस वक्त तक ठीक थी, लेकिन मेरी मां जाती है सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके जाते, मेरे को आज भी याद है, ओमनी वैन सफेद कलर की थी जिसमें लेके गए। वहां लेके जाते हैं तो वहां बिना सिफारिश वालों को कोई बेड नहीं मिला करता, आज भी नहीं मिलता, हिंदुस्तान का सिस्टम है ये। वहां मेरी मां जाती है तो मेरी मां बाहर फरस पे तड़प रही है और अंदर बेड नहीं मिलता बिना सिफारिश के। पास वाले हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें एडमिट करवाने की अगर बात हुई, उन्होंने 50,000 रुपए मांगे। वो वक्त ऐसा था हमारे घर पे 50,000 रुपए नहीं थे। मेरी मां की तड़प कर दर्द के अंदर बिना इलाज के मारे, बिना पैसे के मारे, ऑन द स्पॉट मौत होगी। और मेरा भाई मेरे से भी 3.5 साल छोटा था, मेरा जो पिता है वो इस हादसे के मारे पागल हो गया। मेरे भाई को जो 3.5 साल का था उसको भी मुझे संभालना, अपने आप को भी मुझे संभालना, क्योंकि 1 साल तक संभालने वाले थे हमारे दादा दादी। उस 1 साल के दौरान दादा की भी मृत्यु होगी और दादी की भी। औरत नाम की घर के अंदर चीज नहीं रही। आज आप लोगों को एक बात बता देता हूं, औरत बगैर कोई घर नहीं होता, इस बात को नोट कर लेना। आप किस रूप से औरत को देखते हो वो नजरिया सबका अलग है। वो हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, हमारी पत्नी हो, हमारी दादी हो, एक औरत का होना घर के अंदर बहुत ही जरूरी है। घर की चौपाट हो जाए यार बिना औरत, हमारे घर का वो हाल हो गया। हमारे घर कैसे हालात हो गए, सच्चाई तो ये है, जब आपके घर का कोई मरता है ना, आपका सह गया, अगर आपकी माँ मर गई 1 हफ्ते तक या 13वीं तक सब आपकी माँ बन जाएंगी। वो जब 13वीं का पल्लट घर से उठता है ना, वो जीवन आपको ही जीना, कोई आपकी माँ, कोई बुआ, कोई सगा नहीं होता। और वो समय कैसा समय होता है, रोटी कैसे बनती थी, कच्चे पक्के छोटे छोटे हाथ थे, मेरे तो आज भी ऐसे हाथ है बच्चा जैसे, जब काम करया करते कदे हाथ जल जाता, कदे चून में पानी बत्ती पड़ जाता,
सब्जी बनानी आया ही नहीं करती, कड़े की सब्जी आव थी, रूखी सूखी खानी पिड़ार थी, नमक गैल्या अचार गैल्या, आए का कोई साधन नहीं था, दादा सब क्या इन्हें निमटा गया था, बाप यहाँ रो तक जो पागल खाना इसमें एडमिट था, यहां से इलाज चल रहा था। वो जो दौर था, वो जो समय था, मेरे को आज भी याद है, जब हम किसी पड़ोसी के घर किसी गली में जाते थे ना लाठी लेने के लिए, डोलू बोलते हैं जिसको, उसको लेके हमारे को ताने मिलते थे, देहात में औरतें देती हैं ऐसे ताने, ये तो रांड के सांड हैं, इनका क्या जीवन है, सूते उठते आले इनके शर्म तो रह नहीं रही, और हम फिर भी घर के बाहर खड़े हो गए, कहते ताई थोड़ा गाल देना, हो सकता है ये घंटा गाली सुनकर थोड़ा सीत मिल जाए, जब रोटी खाया करते। वो वक्त था, वो जो वक्त था, वो वक्त बीतता गया बीतता गया, पापा की थोड़ी ही मानसिक हालत ठीक होने लगी। वो वक्त जो था वो पहुंच गया 2003 से 4 में, जो 3 से 4 का दौर था, जिस वक्त मेरी उम्र 14 साल हुई, मेरे पापा की हालत ठीक हुई। हमारे गांव लडराउन से कुतुबगढ़ की तरफ एक रोड जाता है, वहां एक मिक्सर प्लांट है रोडी डस्ट का, मैं मेरा पिता सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच उठ के रोडी डस्ट के ट्रक खाली करने जाया करते उड़े। जब हम ट्रक खाली करते, मेरी उम्र कम होने के कारण मैं काम सबसे ज्यादा कर रहा था, दाड़ी 150 रुपये मेरे पापा ने मिल रहा थी, 75 रुपये मन्ने उस तो हमारा घर चल रहा था, उस तो हमने अपना काम चलाना शुरू करया। बाप और बेटा जब एक साथ काम करते, जो गरीब आदमी होता उसको क्या सुनना पड़ता है, कैसी गालियां इस समाज के अंदर, जिनके पास 2 पैसे हो जाते ना वो कैसी कैसी गालियां देते हैं, और बाप और बेटा एक जगह खड़े होकर जब उस गालियों का सामना करते हैं, वो चीजें शायद ही मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यहां पे बहन बेटियां भी बैठी हैं। उसके बाद घर आता, खाना बनाता, खाना बना के स्कूल में जाता, हालत ऐसी थी। इसके बीच का जो दौर था 2003-04 से पहले, 6 क्लास में सरकारी स्कूल में 12 रुपये फीस हो जाती, दी नहीं जाया करती, मास्टरता दियारते भाज्या फीस लिया जब बड़ी है। वे हालाते देखते 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 मेहनत मजदूरी शुरू करी, जिसके अंदर 2005-06 का दौर आ गया, हरियाणा की क्रिकेट की टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मैंने मेरे पापा को बोले 3,500 रुपये लगेंगे पापा, और जो मैच फीस है जो हमारे को बताया गया था वह मिल जाएगी 3,500 से 4,000, 10 मैच है, वापिस आके मैं उल्टे कर दूंगा, 1-1 रुपया है ना वो हमने पता हो कैसे जोड़ रखा था, वैसे 3,000 रुपये इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि जो 100-150 आते थे वे डेली लग जाते थे, 1,00,000 रुपये का जो कर्जा था वो बढ़ता जाता, या तो अपना किला छोड़ो या वो 1,00,000 रुपये का कर्जा तारो, बाप के करे था जो भी कमाई आती उससे न भरा था उसकी ले का ब्याज। ये चीजें होते होते 3,500 रुपये कहीं से मेरे पापा ने मांग के मेरे को दिलाए, मैं मैच खेल का आया, हरियाणा की टीम 3rd नंबर पाई थी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मैं था, जिसके अंदर 2005-06 के अंदर जो हमारे साथ खेल रहे थे उसमें कई आज के टाइम इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आईपीएल खेल रहे हैं। जब मैं खेल के वापिस आया, मेरे खेल के कारण मेरा राजस्थान की टीम में सिलेक्शन हुआ था रणजी की में 13,00,000 रुपये में। अब 13,00,000 रुपये रिश्वत नहीं थी, वे 3,500 मुश्किल करे थे। वो खेल छोड़ दिया, वो खेल छोड़ के मैं पहुंच गया सोनीपत अखाड़े में। उस वक्त जो मेरा काका था, मेरा काका सब कुछ संभालने लग गया, हमारा घर दोबारा से रूटीन में आ गया। 2012 के दौरान एक बार फिर ऐसा ही हादसा हुआ, बिजनेस में मेरे काका को ऐसा लॉस लग गया, जिसमें मेरे काका के नाम के 2 किले, वो किला जो हमने वापिस ले लिया था वो, और साथ में हमारे घर में 13-10 टेरी गाड़ी थी, सारी गाड़ी जो कुछ था सब क्या मामने रख के वापिस वही आ गए जो हमारा जीवन 1997 में था। वो जीवन आते ही मेरे पास मेरा आता है, मेरा काका हॉस्पिटल में है, जिसके अंदर 3,000 प्लेट रह रही है, अनबोल हो रहा। मैं मेरे काका के पास जाता हूं, मैंने पूछी काका दिक्कत के है, काका बताता है सारा कर्जा तार कर सब कुछ बेचने के बाद भी मेरे ऊपर कर्ज बचा हुआ है 85 लाख का, अगर उसको लेके हम मर गए तो कहावत बन जाएगी मोदी तो कर्जे नीचे दबका मर गए। मैं बोला फिर टेंशन क्या की मान रहा, या जमीन के काम आओगी, मारे नाम के 2 किले बच रहे थे मेरे बाप के नाम के। मैं मेरे बाप के पास जाकर फरमाइश करूं, पापा किला बेचांगे अपना कर्जा उतारेंगे, मारे गांव की जमीन बहुत महंगी। या बात मैंने जब मेरे पापा तक कही, मेरा पापा
अच्छा एक ऐसी चीज होती टोटा जिसमें घर पट जा रहे और जिसमें आपस में भाई भाई का बैरी हो जा रहा है। मेरा बाप कहता है यू तो अपने हक ने तो खा गया, हमारे नोर खागा इस जमीन के मारे तुम नको ब्याह देगा, ब्याह हो भी ना गाना तू। मैं बोलिया पापा मैं बेचूंगा, नहीं बोलिया बेचेगा तो भाई मेरे घर में नहीं बढ़ जाएगा। मैं बोलिया पापा मैं तेरे घर में नहीं बढ़ूंगा जब तीतरी जमीन उल्टी नहीं ले लूंगा, पर मैं बेचूंगा। बहादुरगढ़ जब हम जमीन तरवान गए तहसील में, एक साइड मेरा बाप रोन लाग रहा मेरा नाश हो, एक साइड मेरा काका रोन लाग रहा मेरा नाश हो, इसलिए तुम नाश हो रहा था मेरा, क्योंकि जीवन आगमन मेरा बाप भी संभालना, मेरा काका भी संभालना, मेरी जमीन भी संभालनी। वो जमीन उतारने के बाद कर्जे से मुक्ति मिली, लेकिन हम रहे सुनना हमारे पास कुछ नहीं रहा। मेरे साथ में मेरा भाई बैठा सुमित, मेरी गैल पहलवानी कर यार था बचपन का, मेरा लंगोटिया यार है, मेरा भाई बैठा प्रदीप लंगोटिया यार है। ऐसी नौबत आ गई थी, सच्चाई जो है हम खाड़े के अंदर, हम सब गरीब परिवार आते थे, रात के टाइम एक दिन आलू की बोरी चोर के लाए थे, क्योंकि चून घर था आ जाया घर था, घर में और कुछ नहीं रहा था। आलू की बोरी थे, एक दिन आलू का घोल बना रहे थे, एक दिन आलू की चटनी बना रहे थे, एक दिन आलू के परांठे बना रहे थे, वे भी सूखे, ना तेल था ना पानी था ना और कुछ था। वो टाइम काटा पूरे 6 से 9 महीने बाद जब हमारे पास रुपये हुए, उस ताऊ से जाके तब ये पूछा, कह रुपया की आलू की बोरी आई थी ताऊ हम ठाक ले गए थे 6 महीने पहले, उसने बताई 435 या 40 रुपए की, उसको 850 रुपए 6 महीने बाद देखा डबल करके हम ठाक लेकर गए थे। वो टाइम वो दिन देखने के बाद अब जो समाज सेवा की बात आती है, 2012 में मेरा सर्कल बन गया था, सर्कल बनने के बाद हम गरीबी से जूझ रहे थे, हमने मदद करनी शुरू करी, हमने ये सोचा हम गरीब हैं काम चल जाएगा, मरे साथ वाले जो नौकरी लागन लग गए, कोई पुलिस में लग गया, कोई आर्मी में लग गया, कोई किसी चीज में लग गया, हमें खुशी हुई संतुष्टि हुई, हम मजबूत होने लग रहे। हम जब मजबूत होने लगे तब मैंने एक बात सोची थी, मेरे जीवन में जो गाली जो दुख जो तकलीफ जो दर्द मैं सहन कर रहा हूं, मेरी आंखों के सामने मैं किसी बहन को किसी भाई को तड़पता हुआ नहीं देखूंगा। मेरे से जितनी होगी मैं अपने जीवन में मदद करूंगा। वो मदद का सिलसिला 2012 से शुरू हुआ, 2015 से मेरे को सोशल मीडिया चलानी आई, 15 के एंड में या 16 के फर्स्ट में लाइव आना आया था, सबसे पहली बार सोशल मीडिया पे वीडियो डालने वाला मैं था, उससे पहले खाली फोटो और पोस्ट डल्यार थी। 2016 में जब वो लाइव का ऑप्शन आया सबसे पहले लाइव आने वाला भी मैं था। मैंने लोगों को बताया ये सोशल मीडिया इसका आप सदुपयोग भी कर सकते हो, और उस वक्त 2016 में ही मेरी शादी हुई थी। मैं हम सब जो मेरे जितने भी सुख दुख के साथी हैं हमने कभी पैसे को तवज्जो नहीं दी, हमने अपने दोस्तों को तवज्जो दी। मुसीबतें आज तक साथ चल रही है, हमारी कोई सक्सेस नहीं कि हम अपनी स्टोरी सुना रहे। 2016 में मेरी शादी से पहले जो मेरी शादी होती है उससे पहले हम सब दोस्त मिलके एक दोस्त को 64.5 लाख रुपए देते थे उठा के, हमारे पास तो कुछ था नहीं, नंगड़ आदमी थे, उठा के देते हैं ये ले भाई। किसी के घर में कोई मौत का सिलसिला था, उसकी जमीन खुश थी, 64.5 लाख रुपए जब उसको उठा के दिए, जिसको पैसे दिए वो आदमी मर गया। दोबारा से फिर हम दोस्तों ने स्ट्रगल शुरू कर दी उस कर्जे को उतारने के लिए। यानी कि आज मेरी शादी होती है किराए के मकान में रहता हूं, जो कल का दिन है यानी कि जो सुबह होती है सुबह 64.5 लाख का कर्जा सिर पे है। वे चीजें वो दौर जब मेरी जो बीवी है उसके पेट में जब बच्चा था, हमने वो चीज देखी है। ज्यादा बड़ी कहानी तो क्या बताऊंगा, जिस दिन डिलीवरी थी उससे पहले मैं भगवान से ये हाथ जोड़ रहा था, हे भगवान मेरी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए ठीक, मेरे तो मुश्किल तक ब्याज पर कर्जे पर 20,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं, और 20,000 में ऑपरेशन से बच्चा नहीं होता, डॉक्टर ने ये बोल दिया था ऑपरेशन का खर्चा 50,000 से 80,000 रुपया होगा। मैं बोला डॉक्टर जी अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 12.5 से 13,000 रुपये। मैं भगवान से सिर्फ यह जोड़ रहा था मेरे को सिर्फ एक लड़की हो, सिर्फ एक अगर लड़की होगी तो एक ही रखूंगा, जीवन भर में सब कुछ कमाऊंगा, कमा के अपने जीवन को इंजॉय करूंगा, अपनी लड़की की उसकी मन मर्जी से शादी करूंगा और सब कुछ उसी को दे दूंगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन परमात्मा ने मेरे को लड़का दिया। लड़का जब हुआ
भगवान की दया से वो नॉर्मल डिलीवरी होगी। और उस 20,000 रुपए में ही वो काम चल गया। जो भाई बता रहा था अभी वो 43,500 रुपए किलो अमरूद वाली, वो जैसे ही लड़का होता है, लड़का होने के बाद वो लड़का इतना भाग्यवान हुआ, मेरे पास मेरा काम चल गया, पैसा आना शुरू हो गया। दौर था जो शायद लड़का 2 महीने का था, मैं मेरी पत्नी की फीस जमा कराने के लिए MD यूरो तक आऊं था, खड़खोदा जो बाईपास वहां से घूम रहा था, वहां अमरूद वाले बैठते हैं टोकरा लेके, आज भी बैठते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत रोन लाग रही, टूटा और छोटा फोन ले रही, उसमें रबड़ बांध रही, मन अमरूद लेने के लिए गाड़ी रोकी। मैं बोला ताई 1 किलो अमरूद दे दे, उसने मेरी बात ना सुनी, वह रोवे थी, वह रोवे थी। तो मन में उस ताई तो बोला ताई के बात होगी, के दुख हो गया। उस ताई ने छो में मरता है ने बोली जो काम कर रहा है वो अपना काम कर लेने। मैं बोला ताई के बरा मैं तेरा काम आ जाए बता तो दे। ताई के मुंह तो छो में यो शब्द लिख गया, तू भगवान है, तू मेरा काम आओगा, जो तेरा काम वो कर लेने। मैं समझ गया ताई छो में कोई ज्यादा बड़ी मजबूरी है। उम्र उस ताई की लगभग 60 से 65 साल होगी। मैं बोला ताई फिर भी बता दे के बरा मैं भगवान ना हूं, मैं मजाक कर रहा हूं उसके साथ, उसको उसकी मानसिक टेंशन दूर करने के लिए। उस ताई ने बताई मेरी बेटी का और मेरे मेरी बेटी के बटेऊ का दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में बटेऊ की तो ऑन द स्पॉट मौत होगी और बेटी के पेट में बच्चा था, एक्सीडेंट इतना भयानक था, रोड पे ऑन द स्पॉट डिलीवरी होगी और उस डिलीवरी के कारण मेरी बेटी अस्पताल में है, मेरे दौरते अमरूद का टोकरा कुछ नहीं। मेरी जेब में से 43,000 रुपए थे, वह जो फीस के थे मैं खुद ब्याज पर उठा कर लिया था, स्ट्रगल कर रहे थे, मन वेताई थे दे दिए। वह ताई इतनी खुश होगी, वह ताई ने मेरी अगली बात नहीं सुनी, वो टोकरे ने छोड़कर भाज ली। मैं बोला ताई मेरे ते अमरूद तो दे जा, 1 किलो अमरूद लेकर मैंने अपनी गाड़ी उल्टी मोड़ ली। मैं घर जाकर मैंने अपनी पत्नी तो बताई यह बात होगी, तेरा एडमिशन की जो फीस थी वह नहीं भर पाया। मेरी पत्नी लगातार पढ़ती आ रही, एक वही साल ऐसा जिसमें फीस ना होने के कारण उसकी पढ़ाई रुकी। जो भी था जैसा भी था, अपने दिल दिमाग में यह आता अगर कोई मजबूरी में आपके पास अगर 5 रुपए देने की कोशिश करो। महात्मा गांधी, हालांकि मैं उनको फॉलो नहीं करता, लेकिन उनकी एक बात है, उनके घर में चोरी हो जाती है उसकी कुटिया में। कस्तूरबा गांधी ये कहती है जी चोर आए थे सब कुछ ले गए। महात्मा गांधी बोले सब कुछ ले गए? हाँ सब कुछ ले गए। वह बोली बस एक यावत रही है, अपने पल्ले का पंजी बांध रही थी। कस्तूरबा ने खोल का महात्मा गांधी थे दी। महात्मा गांधी ने बोला फिर चोर चोरी उन थोड़ी चोरी तो तन्न करी है, उन तो जरूरत थी, या पंजी और दे देती के बरा उनका काम आ जाता। आपकी जेब में जो कुछ हो सकता हो किसी दूसरे का जीवन बचाने के लिए आपकी जेब में हो। मेरा मानना यह है अगर आपकी पार बसाती तो दान दे देना चाहिए। वहां से जो अमरूद वाली बात मैं अपने घर जाके अपनी पत्नी को ये बात बताई तो वो मेरी पत्नी, मैं ये कहता हूं मेरी पत्नी नहीं मेरी दोस्त है। आज तक जो उसने मेरा जीवन में साथ दिया वो साथ किसी ने नहीं दिया। और समाज के लिए समर्पित की बात आती, जैसे मेरा भाई बताओ था, मेरे छोटे सगे भाई का ब्याह था, उससे दिन सिंचाएगा हरियाणा की पंचायत थी और उस पंचायत वो बहुत मायने रखती थी, क्योंकि जो आरक्षण के नाम पर जातिवाद फैल गया था उसको जोड़ने के लिए पंचायत थी। मैं मेरे भाई के ब्याह में नहीं गया था, मैं पंचायत में गया था। यहां भी बैठी गुडिया ने एक दो ने मेरे न्योता दिया था शादी का, मैंने ये बोल दी थी मैंने मेरे लिए ये इंपोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपोर्टेंट वो है जिसकी मैं मदद करने के लिए जाता हूं। अगर उसकी मदद करके समय बच गया तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरे बगैर इस बहन की शादी होगी या आज खुश भी है, लेकिन जिसकी मैं मदद करने के लिए जाता था, जिसको मैंने जुबान दे रखी, अगर मैं वहां समय पे नहीं पहुंचा वे क्या सोचेंगे? हमारे कारण किसी गरीब का घर जलता है। आप लोग किसी न किसी की उम्मीद हो। जो मेरा जीवन जिस जीवन में आप पूछ रहे हो, मैं आप लोगों को आज भी बता देता हूं 1,00,000 रुपए प्रत्येक दिन का मेरा खर्चा है। कुछ चीजें सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती। 26 परिवारों को पालता हूं मैं, मेरी औकात इतनी है इस ताके की है नहीं। उनको ये बोल रखा जब तक मेरे अंदर जीवन रहेगा जिंदगी रहेगी, देखिए इस लड़ाई में मैं मर गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब तक मैं जीवित रहूंगा थारे मरण की जिम्मेदारी मेरी है। जो मेरे लिए अपना समय खपा रहे, जो मेरे से पहले छाती अड़ाते हैं,
अब बात आती है, भाई ने जैसे आंकड़े बताए, आंकड़े मैं बता देता हूं, 316 उन बेटियों की शादी करवा ली जिनका भाई नहीं था, बाण नहीं थी, मां नहीं, बाप नहीं, 316। 63 उन बहनों के बात भर दिया जिनके पाटड़े पर चढ़नाड़ा कुछ था ही नहीं, और लगभग 31 करोड़ रुपए की नगद मदद कर ली, 131 आंदोलनों में भागीदारी कर ली। जो ये बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है, 14 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार होने पर जो पोक्सो एक्ट है जिसके तहत फांसी दी जाती है, उसके लिए दिल्ली जंतर मंतर पर 7 आंदोलन मनाए करी थी, वे लाठिया मनाए खाई थी जब यो पोक्सो एक्ट बनाया था, आक गलत कुकर्म करने पर, दुष्कर्म करने पर फांसी दी जाए। 131 ऐसे आंदोलन जवानों के लिए, किसानों के लिए, पहलवानों के लिए चल रहा है। पुलवामा अटैक के लिए सुबह शाम दिन रात जब घर से निकलता हूं, मेरी बीवी मेरे से एक बात पूछती है, वापिस कब आओगे? मेरा एक ही जवाब होता है, मेरे को ही नहीं पता, क्योंकि उसका कारण यह है, जब आप अच्छाई के सच्चाई के रास्ते पर चलते हो ना, सब आपके दुश्मन हैं। मेरे दुश्मन क्यों हैं? उसका रीजन है, एक गरीब मजदूरी करने आएगा बालक, रोडी डस्ट तारण आएगा बालक, आज वो मतलब जिनके ट्रक होया करते, जिनका मजदूरी कराया करते, आज वो उन तो ऊपर जा रहा, उसकी बूझ हमारी नहीं। लोगों को अपने समाज के अंदर है ना ये जो भेदभाव है, ये चढ़न इस चीज से, आज तक मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी का कटाक्ष नहीं किया, किसी का उल्टा नहीं किया, किसी के साथ कोई हाथापाई नहीं हुई, कोई द्वेष भाव नहीं रखता। हरियाणा के अंदर नजर मार के देखना, सबसे ज्यादा टांग खींचने वाले, सबसे ज्यादा गाली सुनने वाला अरस चिकारा है। अरस चिकारा को सब चोर कहेंगे, अरस चिकारा को सब चंदा खाऊ कहेंगे, अरस चिकारा को सब कुछ ना कुछ कहेंगे, घटिया है, फलाना है, छोटी मानसिकता। आज तक किसी बात को कोई भी साबित नहीं कर पाया, क्योंकि गरीबी से उठे हुए हैं। अगर किसी अमीर घर से होते तो शायद किसी की इतनी औकात नहीं होती, और उसी चंदे से, उसी चोरी से किसी का घर बसता है, तो मैं चोर हूं और सच में चोर हूं। 31 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम मैंने चोरी कर ली, और आगे आने वाले जीवन में लक्ष्य भी बता देता हूं, 316 मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं ये सोचता हूं हर साल 3016 बेटियों की शादी करूं, हर गांव में, हर जिले में, हर शहर में ऐसा ही कोई अरस चिकारा हो, एक नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 अरस चिकारा हो, जो किसी न किसी बहन बेटियों की ऐसे ही मदद करते रहे। अपना सपना, अपना जीवन यही है। जब घर, अपने घर से बाहर निकलता हूं, 5 धमकियां डेली फोन पे आई मिलती हैं, आज घर तो बाहर लिकड़ते गोली मार देंगे, आज घर तो बाहर लिकड़ते ये कर देंगे, और मैं ये कहता हूं मेरा जो आज का रूट है, यहां से होते हुए वहां जाऊंगा। समाज के लिए जान भी चली जाए कोई बड़ी चीज नहीं। आपका जीवन क्या, अपने जीवन के बारे में सोचो, रस शिकारा के नहीं। आप लोगों को मेरी कमाई इतनी है जितने आप सब बैठे हो ना यहां पे, जितने शायद आप सबके बराबर अकेले की होगी। हाल की बात कर रहा हूं, आज की, हम आगे हैं 2023 में। इतनी मेरी कमाई, आज तक 100 गज का अपना मकान नहीं ले पाया हूं। वो कमाई कहां जाती है? जो चोर डाकू लुटेरा ठग कहते हैं, आज तो कोई साबित नहीं कर पाया 10 रुपए मेरे खा रहा है। जब आप आगे बढ़ोगे ना, इल्जाम तो लगने लाजमी है, लेकिन अगर आप उनको पार करते हुए आगे जाओगे तो आप योद्धा हो, लड़ाके हो। अगर आप उनको सुन के अपने घर में बैठ गए, आप बुजदिल इंसान हो। बाबा राव भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, इंसान जीवन में क्या करता है, कमाता है, खाता है और मर जाता है। आप कमाते किस लिए हो? खाने के लिए। खाते किस लिए हो? जीने के लिए। अगर फिर भी मर जाते हो, जब मरना ही है तो इससे तो अच्छा बिना कमाए, बिना खाए, बिना मेहनत करे ही मर जाओ। अपने जीवन में आए हो, अपने बच्चों के लिए अगर जी रहे हो, अपने बच्चों के लिए तो जानवर और पशु भी जीते हैं, जिंदगी वो है। अगर आप यहां इस धरती पर आए हो, आपने इस समाज के लिए क्या किया, आपने अपनी बहन बेटियों के लिए क्या किया, आपने अपने देश के लिए क्या किया, हमें भी पता है। आज हम कोई बड़े इंसान नहीं, हमें कोई नहीं पूछता, लेकिन जब हम यहां नहीं होंगे और जब भी हमारे चर्चे होंगे, वो हमारी असली कमाई है।
जब हम इस जिंदगी को, इस जीवन को छोड़ के चले जाएंगे ना, और जब आपको लोग याद करके ये कहेंगे ये काम तो वो इंसान कराया करता, वो इसलिए कमाई है, वो कमाओ। परिवार वाली जो मैंने बात कही वो इसलिए कही, सोशल मीडिया से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये सोशल मीडिया ही है जिसने भारत देश के प्रधानमंत्री को 2014 में प्रधानमंत्री बना दिया। आप लोग जो अपने जिले को, राज्य को, अपने गांव को प्रेजेंट करते हो, हरियाणा को जो प्रेजेंट करते हो, आप लोगों को एक बात बता देता हूं, एक मैंने माफी चाहूंगा, अगर यहीं बैठी हो या इनके पीछे ही कोई हो, एक लड़की और आती है वो ज्यादा नाप शनाप गंदी बातें बोलती है ऐसे ही रिकॉर्ड करके, ये पता नहीं कौन से उसकी स्टूडियो की, मैं खुद कह रहा हूं ये पता नहीं कौन से स्टूडियो की है। मैं एक बात बता देता हूं, गंदा बोलना, गंदा गाना लंबा नहीं चलता। दो चार दिन की बातें, गाली मैं भी दे दूं आप लोगों को, आपके आपको ये लगेगा अरे शिकारा गाली दे रहा, लेकिन वही गाली अगर मैं 10 बार दे दूंगा आप ये कहोगे रोज सुना है, को नई बात है यार। इसलिए जो आप काम कर रहे हो, आप अपने साथ में अपने घर अपने परिवार की इज्जत और मान सम्मान जो लेके चल रहे हो वो जरूरी है। गंदगी ज्यादा दिन नहीं चलती। आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, आप लोगों के बीच अगर कोई ज्यादा गरीब हो, आप लोगों के बीच अगर किसी को आपकी जरूरत हो, अपने परिवार का फायदा, अपने परिवार का बड़ा होने का फर्ज निभाओ। क्योंकि मान लो भाई को जरूरत है, आप लोगों की संख्या 100 है, इसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप लोग इकट्ठे करके 1,000 दे दोगे, आपकी जेब से जाएंगे पता नहीं लगेगा, लेकिन इसकी जोड़ी में जो 1 लाख आएंगे ना वो इसको पता लगेगा। सबसे अमीर कौन है? मैंने बड़े भाई से सवाल किया था एक बार अपने से, सबसे अमीर कौन है? मेरा भाई बोला जिसके पास भाईचारा है। जिसके पास भाईचारा है, भाईचारे की कोई कीमत नहीं होती, भाईचारे को कोई खरीद नहीं सकता, भाईचारा सुख में दुख में हर जगह आप लोगों के काम आएगा, पैसा काम नहीं आएगा सब जगह। पैसा तो क्या पता किस किस के पास है, पैसे वाले का तो दिल भी बहुत छोटा होता है, कभी तेरे को कोई लूट ले जा, कभी तेरे को कोई मार दे, कभी तेरे हाथ से कोई गलत काम हो जा। और जो हम जितनी खुली सोच के जैसे हम घूम लेते हैं, जो हम भाईचारा बनाए हुए हैं, जो हम समाज को प्रेजेंट कर रहे हैं, असली भाईचारा असली ताकत यही है। अपने आप से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब मैं हरस चिका रहा हूं आप लोग मेरी बातें किस मारे सुन रहे हो, क्योंकि मैं आप लोगों के परिवार का हिस्सा हूं। मैं भी इसी सोशल मीडिया से उठ के आया हूं, मैंने भी इसी सोशल मीडिया से इन बेटियों की शादी करवाई है, मैंने भी इसी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना काम धंधा जोड़ रखा है, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक देश में मेरा काम जाता है, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से 100 आदमी मेरे कारण कमा के खा रहे हैं। मेरा आयुर्वेदिक दवाइयों का काम है, मेरे ऑफिस में जो फोन सुनते हैं, जो पैकिंग करते हैं, जो दवाइयां बनाते हैं, जो दवाइयां लेते हैं, जहां से वो दवाइयां आती हैं, सब कमा के ही खा रहे हैं ना, सबका घर चल रहा है ना। और मैं किसी को नौकर नहीं भाई मानता हूं, सबको मेरे आप लोग सब भाई हो। मेरा फर्ज ये बनता आज मैं सही हूं, मेरा जो खाना बनाता है, मेरे ऑफिस में जो सब्जी बनाता है, उसकी बेटी की परसों शादी थी, स्पेशल मैंने 2 लड़के भेजे, मैं नहीं जा सकता, मैं जंतर मंतर पे बैठा हूं, वहां जाके उसकी शादी करवा का। उस नौकर ने मेरे को ये नहीं कहा मेरी बेटी की शादी करवाना, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है जो अपने हाथों से मेरे को बना के खवा रहा तो वो बेटी मेरी है। जिस दिन आप इन चीजों को समझने लग गए, जिस दिन इस जातिवाद से दूर हो गए, जातिवाद से बाहर निकलकर बहुत सुंदर जीवन है जिसको बोलते हैं इंसानियत, इंसान, जिस दिन आप इंसान बन गए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। माफी चाहता हूं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें होगी और मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, आप ही का छोटा बड़ा भाई हूं, आप ही के बीच से हूं, उसके लिए आप सभी के चरणों में क्षमा चाहता हूं, सभी को राम राम। आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।